हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का जो लीनियर अरेंजमेंट का चैप्टर है उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। लीनियर अरेंजमेंट जो चैप्टर है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं एंड लीनियर अरेंजमेंट काफी ईजी भी होता है एंड एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ता है डिटेल्स में। ठीक है, तो एक ऐसा चीज है जहां पे आपको अटेंशन टू डिटेल काफी ज्यादा होनी जरूरी है, बिकॉज इफ यू मिस ऑन टू द सम पॉइंट्स तो फिर आपका आंसर शायद गलत आ सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इनमें जनरली क्या होता है कि आपके पास कुछ हिंट स्टेटमेंट्स रहते हैं, राइट, कुछ आपके पास स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं जिन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको बेसिकली एक लीनियर वे में कुछ सर्टन पर्सन को अरेंज करने पड़ते हैं। तो वो चीज आपको स्टेटमेंट के थ्रू डिराइव करना पड़ता है कि कौन कहाँ पे बैठने वाले हैं। तो मान के चलो ए बी सी डी ई, ठीक है, ये पांच लोग हैं और ये पांच लोग नेसेसरली सेम ऑर्डर में नहीं है, तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो आपको वो हिंट स्टेटमेंट पढ़ के समझनी होती है कि ये कौन से ऑर्डर में पॉसिबली बैठ सकते हैं एंड देन उसको आपको प्रॉपरली अरेंज करना होता है। तो इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो कि हमारे लीनियर अरेंजमेंट से अक्सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ अप्रोच देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करना है एंड देन उसी के साथ साथ अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसके साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग इन दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो विद दैट वेरी थॉट लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और वो ये है कि क्लास टेस्ट ने आपके लिए ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कि आपकी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इस कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं ए टू जेड कवर्ड अप है विद टोटल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, अप्रोच का एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी यहाँ पे समझाया गया है इस कोर्स में, जिसके साथ एग्जामिनेशन में आप जल्द से जल्द टाइम स्ट्रिंजेंट मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, हम लोग ये कोर्सेज डिफरेंट फॉर्मेट में रखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल किए हैं जिसमें आपका जो प्रायोरिटी है उस चीज के ऊपर आप कोर्स में ऑप्ट कर सकते हो। और इन सारे कोर्सेज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है, जिसके साथ आपका जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है जिसके साथ आपको एग्जामिनेशन में बैठना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो कोर्सेस है इसका मेन बाइफर्केशन अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज जनरल और डोमेन के जो भी सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से बाइफर्केट किया गया है, जिसमें आप इंडिविजुअली भी ऑप्ट कर सकते हो और कॉम्बो कोर्सेस भी ले सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर डेमो क्लासेस की नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है उस पर जा सकते हो। और अगर आपको बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना इंक्वायरी डाल सकते हो। नाउ Let us move on forward with the video. तो अब हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, राइट? तो कंसेप्चुअली अगर हम लोग लीनियर अरेंजमेंट को देखें तो लीनियर अरेंजमेंट में आपका मेनली जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ स्टेटमेंट्स का कैसा रहता है। तो स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जनरली क्या रहता है, आपका स्टेटमेंट्स कुछ होते हैं जो नेबर वाइज होते हैं, ठीक है, नेबर वाइज स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देख, सबसे पहला होता है कि ए इज द नेबर ऑफ बी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मान के चलो एक लाइन में तीन लोग हैं और बी यहाँ पे, तो ए इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, मतलब उसके जस्ट अगले वाला, ठीक है, तो ये होता है नेबर का मतलब। दूसरा ऐसा हो सकता है ए इज द लेफ्ट नेबर ऑफ बी, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि अगर बी मान के चलो इधर बैठा है तो ए इधर ही बैठेगा, इधर नहीं, तो यहां पे क्योंकि लेफ्ट प्रोवाइडेड है तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो ऐसा भी हो सकता है ए इज इन द, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि
ए जो है वो बी के जस्ट लेफ्ट या राइट में है। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट्स दिया जा सकता है, ठीक है। फिर ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपके आ जाते हैं, तो यहाँ पे नेबर क्या होता है आपको समझ में आने से, ठीक है। कभी कभी आपका स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है, ए इज द इमीडिएट लेफ्ट पर्सन टू बी हु इज द इमीडिएट लेफ्ट टू सी, ठीक है। अब ग्रामेटिकली मत जाना इसमें, ग्रामर शायद थोड़ा गलत हो सकता है मेरे साइड से, बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट मैं समझ रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जैसे दिया गया है ए इज द इमीडिएट लेफ्ट पर्सन टू बी, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी का इमीडिएट लेफ्ट होगा अगर ये एक लीनियर अरेंजमेंट में अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे हु इज द इमीडिएट लेफ्ट टू सी, तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया रहता है कॉमा के बाद हु रहता है, तो ये हु कौन सा सब्जेक्ट को बता रहा है, ये बता रहा है कि ए को बता रहा है, तो हमेशा ये अपना जस्ट लेफ्ट वाले को बता रहा होता है, ठीक है। तो हमेशा समझ लेना कि हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब बी जो है बेसिकली इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो आपका ये अरेंजमेंट फिर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बहुत तरीके का स्टेटमेंट्स दिया रहता है, उन स्टेटमेंट्स को बेसिकली आपको समझना होता है, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दो स्टेटमेंट्स यू बेसिकली हैव टू फ्रेम द होल कंप्लीट अरेंजमेंट, एंड उसी अरेंजमेंट को अगर एक बार फ्रेम कर लेते हो तो फिर आपके लिए आंसर्स काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो जनरली एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे एक मेजर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक मेजर क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा और उसी को फॉलोअप करने के लिए चार क्वेश्चंस और दिए रहेंगे, तो आपको उस मेजर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा एंड फिर उन चार क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ इजी इट इज, इसी चीज को ध्यान रखते हुए आपको मेनली चीजों को सॉल्व करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, आपको मेनली ये चीज समझना पड़ेगा। कभी कभी ये चीज दिया रहता है क्वेश्चंस में कि मान के चलो यहाँ पे ए बी सी है, तो आपको बोला जाएगा कि डी ई एफ जो है वो ए बी सी को फेस कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे डी ई एफ है, ठीक है। अब ये दोनों अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एरोज ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एरोज लगाने का और ये फेस करने का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि कभी कभी ऐसा बोला जा सकता है कि ए जो है बी जो है वो लेफ्ट ऑफ ए है, तब आप यहाँ पे बी को ड्रॉ नहीं करोगे, तब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, रीजन बीइंग ये इधर फेस कर रहा है, तो अगर कोई साउथवर्ड्स फेस करता है तो उसका लेफ्ट हो जाएगा आपका राइट में टेक्निकली, है ना, क्योंकि वो साउथ, मान के चलो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है बट समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो तीन लोग है और आपको बोला जा रहा है कि ये तीन लोग मान के चलो ए बी और सी है, ठीक है, और ये तीनों के तीनों साउथवर्ड्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा एक स्टेटमेंट पास किया गया है, लेट से इफ यू आर पास विद द स्टेटमेंट, ठीक है, जहां पे आपको बोला जा रहा है डी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी कहाँ होगा, टेक्निकली आप इधर ड्रॉ कर दोगे, है ना, क्योंकि बी के लेफ्ट तो ये है, बट ये गलत है क्योंकि बी इधर देख रहा है साउथ के तरफ, तो आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बी का लेफ्ट ये साइड होगा और राइट साइड ये होगा, तो फिर डी यहाँ पे आ जाएगा टेक्निकली। तो अगर आपको ऐसा स्पेसिफाइड है कि सम पीपल, ठीक है, सम एक्स नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, आर इन साउथ डायरेक्शन, तो फिर उसको इसी तरीके से आपको समझना होता है। तो अगर आपको बोला जा रहा है सम एक्स नंबर ऑफ पीपल आर लुकिंग इन द साउथ डायरेक्शन, आर बेसिकली फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, तो फिर आपको इस तरीके से इसको परसीव करना है। बट इफ द पीप नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपका अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगा, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऐसे फेस कर रहे होंगे, तो इसका लेफ्ट और आपका टेक्निकली जो पेपर में ड्रॉइंग करने के लिए जो लेफ्ट होगा वो भी बेसिकली सेम रहेगा। सो दीज आर एवरीथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द कंसेप्ट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस के तरफ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि हम लोग कंसेप्ट समझ गए हैं, तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि इसको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का,
आफ्टर ट्राइंग इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद ही सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो। तो यहाँ पे जो है मेनली ए बी सी डी ई एफ जो है वो रो में बैठे हुए हैं, बट इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, राइट। तो अपन 6 मार्किंग्स ऐसे कर देंगे। ठीक है, ई एंड एफ आर इन द सेंटर। ठीक है, तो ई और एफ जो है वो सेंटर में, तो ई एफ इस तरीके से भी हो सकता है, करेक्ट, या फिर इधर एफ हो सकता है और इधर ई हो सकता है, कोई भी चीज पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं बोला गया कि ई एफ इसी ऑर्डर में सेंटर में, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों केसेस को कंसिडर करेंगे। ए एंड बी आर एट द एंड्स। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ए और बी जो है वो एंड्स में है। ठीक है, सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो, सी अगर लेफ्ट ऑफ ए सिट कर रहा है, सी अगर लेफ्ट ऑफ ए सिट कर रहा है, तो इसका मतलब ए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ए अगर ये होगा इसके लेफ्ट में तो कोई और नहीं बैठ सकता ना, सारे के सारे तो हम लोग इसी जगह पे कंसिडर किए, तो ऑब्वियसली ये वाला ए होगा एंड ये वाला बी हो जाएगा, तभी सी इसके लेफ्ट में बैठ सकता है। इधर सी बैठता तो इधर आ जाता, जो कि आउटसाइड द रो हो जाता, पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, हु इज टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, यही चीज दिया गया है। तो हमारे पास बी इधर है एंड सारे चीज हमारे पास देखो इधर ई या फिर इधर ई और एफ है, तो इधर ऑब्वियसली डी ही बचा है जो इस एरिया में रहेगा, करेक्ट। तो बी के राइट में कौन है बोला, बी के राइट में कौन है, यहाँ पे बी इज राइट, डी है, करेक्ट। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो बेस्ड ऑन द गिवन हिंट स्टेटमेंट, जो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इसी को मैं जनरली बोलता हूँ हिंट स्टेटमेंट, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स के थ्रू आप फाइनल आंसर की तरफ जाते हो। तो ये हिंट स्टेटमेंट्स अगर आप एक बार समझ जाते हो तो फिर आप आसानी से आंसर की तरफ पहुंच सकते, करेक्ट, गॉट इट। तो इसी तरीके से इसको करना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग। ठीक है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ठीक है, तो ए जो है वो बी के जस्ट अगले जगह पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली बैठा हुआ है हम लोग को नहीं पता है, तो विल जस्ट नॉट कीप इट इन द डायग्राम, हम लोग बाहर इसको एज अ नोट लिख लेंगे। तो हम लोग ऐसे जब डायग्राम के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते हैं, वी कैन राइट इट एज नोट्स। तो बी के जस्ट बगल में ए, ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, करेक्ट, तो इसका यूज हो गया। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी। ठीक है, तो सी जो है वो डी के जस्ट बगल में ही बैठा हुआ है। ठीक है, डी इज नॉट सिटिंग विद ई, वो इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। देखो ई जो है वो लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच में है, एक हम लोगों को आइडिया लग गया, ई इधर हो जाएगा। और डी जो है नॉट सिटिंग विद ई, मतलब डी इस एरिया में नहीं रहेगा, इस एरिया में, करेक्ट। तो सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट। अब देखो और एक चीज बता दिया गया है कि सी जो है वो सेकेंड पोजिशन में है फ्रॉम राइट। ठीक है, तो सी इस जगह पे आ गया क्योंकि ये फर्स्ट पोजिशन है और ये सेकेंड पोजिशन है फ्रॉम द राइट, करेक्ट। ए इज टू द राइट ऑफ बी। अब देखो यहां पे बोल दिया गया है ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो ए जो है वो राइट ऑफ बी में है एंड ई, ठीक है, ए जो है वो बी और ई दोनों के राइट में है, तो ए ऑब्वियसली इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, मतलब बी के बाद में ही होगा, और बी क्योंकि ई के राइट में है तो यहाँ पे तो बी नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि यहाँ बी होगा तो ए बाहर बैठेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी इधर ही बैठेगा तभी ए इस साइड में बैठ सकता है, करेक्ट। अब क्या दिया हुआ है, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। ए और सी जो है देखो यहाँ पे अपने आप सिटिंग टुगेदर है, तो बचा हुआ कौन सा है, डी है, तो डी इधर अपना आ जाएगा, करेक्ट। तो ये अपना पूरा हो गया। अब अपने को क्या पूछा गया है कि इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, तो अब आप आंसर देखते हैं, सॉरी ऑप्शंस देखते हैं। बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में ए है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। बिटवीन बी एंड सी, अब देखो बी और सी के बीच में ए है क्या, बिल्कुल है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी तरीके से मेनली सॉल्व करना है। आई विल जस्ट टेल यू कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसका लेवल काफी इजी है, तो इस वजह से शायद आपको आसान लग सकता है। हम लोग आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में क्या करेंगे कि और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे, जहां पे अपन और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बट अभी क्योंकि हम लोग जस्ट सीख रहे हैं ये सब चीजें, तो आई वुड रादर ट्राई टू कीप
इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी, ताकि आपके दिमाग में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आए और आपको अप्रोच का एक अंदाजा लगे। क्योंकि पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो थिंग्स माइट गेट वेरी मच मेसी फॉर यू, ठीक है। अब तो उसी चीज को हम लोग ट्रैक में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन में आए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो आई विल जस्ट एक्सपेक्ट कि ये चीज आप वीडियो को पॉज करके खुद से सबसे पहले ट्राई करो। एक बार अगर आप हिंट स्टेटमेंट्स को पढ़ के अरेंजमेंट कर लेते हो ना, फिर इसके ऊपर कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइव सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर, ईच ऑफ 1 month ड्यूरेशन आर टू बी टॉट फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स है देखो, यहाँ पे इंग्लिश, फिर अपने पास है मैथ्स, फिर अपने पास है इको, फिर अपने पास है फिजिक्स, फिर अपने पास है कंप्यूटर, ठीक है। ये सारे के सारे अपने पास क्या है, पांच ऐसे सब्जेक्ट है। ईच ऑफ 1 month ड्यूरेशन टॉट फ्रॉम जून टू अक्टूबर, तो यहाँ पे जून है, मान के चलो इधर जुलाई है, ठीक है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर है। अब नेसेसरली ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जून में पढ़ाया जा रहा है, वो चीज अपने को तो अरेंज करना पड़ेगा। ये बस मैं नोट्स में लिख ले रहा हूँ क्या क्या वेरिएबल्स है अपने पास, ठीक है ना। ओके, वन आफ्टर द अदर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो यहाँ दिया हुआ है, अब टीचर का नाम दिया है, ए बी सी डी ई, तो देयर आर टीचर्स एज वेल, ए बी सी डी ई। अब हर एक टीचर को उनका सब्जेक्ट और उनका मंथ के साथ अपने को अलाइन करना है, ठीक है, यही अपना मेन आइडिया है। तो यहाँ पे देखो पहले दिया है ए टीचर्स मैथ्स, ठीक है, ये चीज बोला गया है, तो ए अपना क्या है, ए मैथ्स पढ़ाता है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। बट नॉट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और अक्टूबर, ठीक है। तो मंथ में यहाँ पे सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर नहीं होगा, तो ऐसे अपन लिख लेंगे इसको नोट्स की तरफ। बी टीचर्स इंग्लिश इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, एक चीज अपने को दिया गया है, बी जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, कब, ऑन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, तो ऑगस्ट के मंथ में ये क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, ऑल राइट। सी टीचेस इन द मंथ ऑफ जून बट डज नॉट टीच इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, सी जो है वो हमारा मंथ किस में है, जून पे है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या, डज नॉट टीच इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स ये जो है नहीं पढ़ाता, ठीक है। फिर अपने पास अगला आ जा रहा है, अगला अपने पास क्या है, डी है और ई है। तो बेसिकली अगर इंग्लिश मैथ्स फिक्स हो गया और इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, ठीक है, देखो जहां जहां जो जो फिक्स हो गया उसको कट कर सकते हैं अपन, राइट। तो इंग्लिश फिक्स हो गया है, मैथ्स फिक्स हो गया अपना, देखो अगस्त फिक्स हो गया है अपना, जून फिक्स हो गया है, करेक्ट। अब यहां पे भी देखो ए हमारा क्या है, इंग्लिश के साथ फिक्स हो गया है, ये सारे फिक्स हो गया, करेक्ट, ऑल राइट। तो अगर हम लोग डी देखेंगे तो डी का कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, देखो डी का सब्जेक्ट यहाँ पे आइदर फिजिक्स होगा या फिर इकोनॉमिक्स होगा, क्यों, क्योंकि देखो मैथ्स और इंग्लिश ए और बी पढ़ाता है, ठीक है, डी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता है। तो डी के पास बचा हुआ सब्जेक्ट कौन सा हुआ, कंप्यूटर ही हुआ, तो सबसे पहले सॉरी सी के पास बचा हुआ सब्जेक्ट कंप्यूटर ही हुआ, तो यहाँ पे कंप्यूटर आ जा रहा है। अब देखो डी को अगर हम लोग देखेंगे, डी को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो सी का हमारा क्या है, कंप्यूटर भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया, तो जिसका ना सारे के सारे फिक्स हो जा रहे हैं उसको अपन एक बार ना मार्क कर देते हैं, सो दैट हम लोगों को समझ में आए कि कौन सा चीज कंप्लीट हो गया। सी का हमारा मंथ भी कंप्लीट हो गया और सब्जेक्ट कौन सा वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखो डी का अगर हम देखेंगे तो मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर तीनों बुक हो चुका है, तो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स ही बचा है, इन दोनों में से भी कोई एक डी पढ़ा रहा होगा, इधर इकोनॉमिक्स और फिजिक्स ये दोनों ही अपन लिखते हैं, करेक्ट। और ये कौन से मंथ में पढ़ाएगा, इसके लिए बचा कौन सा मंथ है, देखो सितंबर अक्टूबर ए नहीं पढ़ाता है, अगस्त जून कट गया है, ठीक है, तो बचा हुआ कौन सा है, बचा हुआ अपने पास जुलाई है, सॉरी बचा हुआ अपने पास सितंबर अक्टूबर है, क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर नहीं पढ़ा रहा है, तो इसके लिए बेसिकली जुलाई मंथ बचा है, राइट, क्योंकि अगस्त इसका है, जून इसका है, और बचा हुआ ये सितंबर अक्टूबर नहीं पढ़ाता है, तो जुलाई ए का हो गया, तो जुलाई भी कट गया, ए का भी पूरा अपना ओरिएंटेशन आ गया। अगर हम डी का देखेंगे तो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स है, राइट, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स जो है ये कौन से मंथ में पढ़ा सकता है, ये पढ़ा सकता है आइदर सेप्टेम्बर में या फिर अक्टूबर में, क्योंकि दोनों मंथ अभी बचा हुआ है और क्योंकि ए का दोनों नहीं होता है इसी वजह से जुलाई हो गया। अगर ई का देखेंगे तो ई भी इकोनॉमिक्स या फिर फिजिक्स होगा,
क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट बचा हुआ है। अब यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जब इकोनॉमिक्स होगा तब इसका फिजिक्स होगा, और इसका अगर फिजिक्स हुआ तो इकोनॉमिक्स होगा। वी डो नॉट नो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी मंथ जो है, अगर इसका सेप्टेम्बर हुआ तो इसका अक्टूबर होगा, और इसका अक्टूबर हुआ तो इसका सेप्टेम्बर होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, ये जो है वो मैथ्स पढ़ा रहा है कौन से महीने में भाई, जुलाई के महीने में। अगर हम बी को देखेंगे तो बी क्या पढ़ा रहा है भाई, इंग्लिश पढ़ा रहा है कौन से महीने में, अगस्त के महीने में। अगर हम सी को देखेंगे तो सी क्या पढ़ा रहा है, सी पढ़ा रहा है आपका कंप्यूटर कौन से महीने में, ये पढ़ा रहा है आपके जून के महीने में, ठीक है। डी और ई दोनों का स्केप्टिकल है अभी भी सिचुएशन, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में से कोई भी एक पढ़ा सकता है। तो जितना आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको जाना है, कुछ खुद से अज्यूम नहीं करना है कि ये पढ़ाएगा। और ई का भी अगर ये इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो ये फिजिक्स, और ये फिजिक्स पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स, और इधर ये अक्टूबर होगा या फिर सेप्टेम्बर होगा, राइट। तो ये अपना जो है ये फाइनल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, दिस इज एफ ए फाइनल अरेंजमेंट। अब अपन देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज टॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो देखते हैं जुलाई में क्या पढ़ाया जा रहा है भाई, जुलाई में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपना आंसर हो जाएगा मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट इन बिटवीन इंग्लिश एंड फिजिक्स, तो इंग्लिश और फिजिक्स के बीच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है भाई, इंग्लिश और फिजिक्स के बीच में। अब देखो अपन को नहीं पता है कि फिजिक्स यहाँ है कि यहाँ है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो वी आर नॉट श्योर कि इंग्लिश और फिजिक्स के बीच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज फिजिक्स कौन सा है वही टेंटेटिव है हमारे लिए। हेंस हमारे लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चंस एंड द हिंट इंफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन हुआ जिसमें हल्का सा आपको सोचना पड़ा, बट दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी। जनरली एग्जामिनेशन में आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो ऐसा लेवल का ही आता है, सो मॉडरेट ही एक्सपेक्ट करना। एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में आप लीनियर अरेंजमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई गेस इस वीडियो के साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया है कि लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चंस मिनिमम किस तरीके का होता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसका क्या है। आने वाले टाइम में हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे, जहां पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच कैसा रखना होता है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।